भाई क्या हो रहा है सामने वाली गाड़ी में? उली का सुबह से चलते चलते थक गए। सुबह से रात हो गई पहाड़ियों पे चलते चलते, सुबह से पहला बोर्ड उली का आया जिसमें दिखाई दिया कि 16 किलोमीटर रह चुका है उली। तो यहाँ से बस 16 किलोमीटर रह गया है उली। जहाँ हमारा एक बेटा है पहले से ही है, ये इधर को ही करो, ये हमारी औलाद है। थारा भाई जोगिंदर, और थारा भाई जोगिंदर। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग और वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग कर रहे हैं, अभी वाइंस हम रेगुलर डाल ही रहे हैं चैनल में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पता चल ही होगा। तो आज हम जा रहे हैं एनी गेस ओली जा रहे हैं। तो ओली में ये चल रहा है जनवरी का महीना और इस टाइम पर बहुत खतरनाक बर्फ़ पड़ती है और अभी भी बहुत खतरनाक बर्फ़ पड़ रखी है। हमने वहाँ पर जा रहे थे कुछ दोस्त, उनसे फ़ोन करके पूछा है तो उन्होंने बताया कि आ जाओ, बहुत खतरनाक मौसम हो रहा है। तो पूरी तैयारी हो गई है, अब देखो पीछे मैंने पूरे कपड़े बिखरा के रखे हैं, क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वैसे हम जा एक दो दिन के लिए रहे हैं, शायद परसों नरसों आ जाएंगे, तो फिर भी अब यार जा रहे हैं, फोटोज़ भी खींचेंगे, रील भी बनाएंगे। तो चलो पहले मैं तैयार हो लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे का कंटिन्यू करते हैं, कौन कौन जा रहे हैं वो सब भी दिखाता हूँ, कैसे जा रहे हैं दिखाता हूँ। चलो मैं तो हो गया हूँ तैयार, मैंने कपड़े भी ले लिए हैं, तो अब हम जाएंगे। अब्दुल शहद से बाहर गया है, 5 मिनट में आ जाएगा, इतना हम चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं बाकी लोग तैयार हुए हैं नहीं हुए, और फिर आपको लेके चलते हैं खतरनाक लोकेशन। चलो कितने कपड़े लेगा भाई, कितने दिन के लिए जा रहा है? 4 दिन, 1 महीने के लिए। ये है शोएब भाई, ये भी चल रहे हैं हमारे साथ, जाएंगे भाई। तो ये तैयार है हमारी धन्नो, वो खड़ी है मम्मी। मेरा यार चलाने सीख गया ना, चले। यस गाइस, हम शोएब भाई, अजीम भाई और तू कौन है? हम चारों जा रहे हैं ओली, ओलीपुर। आपको पूरा लोकेशन वगैरह सब कुछ दिखाएंगे, वहाँ का मौसम बताएंगे, बने रहो हमारे साथ। बताऊँ कैसा लग रहा था अभी तू? बताऊं? बता देता हूं। No. कितने दूर पहुंच गए यार, अभी भी 200 किलोमीटर रह गए। अजीम भाई कितना टाइम रह गया और? अभी लगभग 5 घंटे। 5 घंटे लगभग अभी भी। शोएब भाई स्टॉक ला रखे हो ना पूरा? हाँ पूरा है ना, पूरा पूरा स्टॉक है, बिना स्टॉक के हम बिना स्टॉक के चलते ही ना है ना हम। सही है। तो गाइस आप लोगों को पता है हमारा ब्लॉग हो और गाड़ी में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गाड़ी में यार एक पार्ट नीचे आ गया है, उसे ठीक कर रहे हैं। ये निकाल दो इसे पूरी, या फिर ऊपर फंसा दो कहीं पर। चलो भाई बैठ, हो गया ठीक। इतनी जल्दी? यस इतनी जल्दी खराब हो जाए, इतनी जल्दी ठीक हो जाए, यही तो खासियत है टप्पे वाइंस वालों की। मास्क उतार लो, मैं भी मास्क लगा के खाऊंगा। शोएब क्या मंगवाया था खाने के लिए? 2 नली नहारी और 2 पाए और कीमा? ना कीमा नहीं, वो एक भेजा भेजा शोएब भाई ने। क्या सुबह से कम खाया है जो मैंने किसका खाया? मेरा कुछ नहीं खाया ना अभी तक। क्या किसका खाया अभी? उन्होंने तो खा लिया मेरा। नीचे शोएब भाई की मंगनी का फंक्शन है, चलें लेट्स गो। उसी का इनकी रिंग सेरेमनी है। ये सीढ़ी आ गई, ये हमारी औलाद है, सीढ़ी है, इनकी यहां से कूदना पड़ेगा। मैं रहम दे, कूद के दिखाइयो, दूध कूद के दिखा तो दे कैसे कूदना है। जहाँ हमारा एक बेटा है पहले से ही है, ये इधर को ही करो, ये हमारी औलाद है। तो हम जो तो शादी नहीं कर सकते ना, खा सकता हमारी औलाद नहीं है।
एक बार कहते हैं भतीजे हमारे पास भतीजे बेटे हैं हमारे भतीजे हमारे डैडी हैं। तो अब खा के बताना देहरादून का मैगी बढ़िया है कि यहाँ का मुरादाबाद का। अजीम भाई कहाँ का मैगी बढ़िया है? गुवाहाटी का। हाँ भैया कहाँ का मैगी बढ़िया है? देहरादून की बेइज्जती कर रहा है भाई। तो पेट पूजा कर लिए हम लोगों ने, अब चलेंगे सीधा और ली रुकेंगे कहीं नहीं, हाफ रास्ते आ गए हैं अब। यहाँ से अभी भी 168 किलोमीटर है, यहाँ पे रुके थे हम। और पीछे का व्यू देखो कितना बढ़िया है, यहाँ पे तो भाई व्यू ही व्यू है यार, और कुछ नहीं है। अभी गाड़ी में ज़रा थोड़ा पानी पानी डालेंगे। तो आप रास्ता आ गए हम, और अभी पेट्रोल पंप पे ज़रा हवा हुआ चेक करा रहे, पेट्रोल देख रहे हैं। से तो व्यू भी नहीं है कुछ, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी है दिखा देता हूँ। अजीम भाई पीछे वीडियो बना रहे, जिंदा वीडियो। तो गाइस पहाड़ में आए थे, तो पहाड़ में हमें एक जंगली सुअर दिखा है, आपको दिखाते हैं। अपना मुंह छिपा रहा है, दिखा अपना मुंह दिखा। नो ये सुअर आपको सिर्फ इसी पहाड़ में मिलेंगे और नहीं मिलेंगे कहीं पर। देहरादून में ही मिलेगा। देहरादून में ही रहता है ये। मास्क का है, कोरोना बढ़ रहा है, मास्क का है तेरा। स्पेस दे दे भाई, फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। ए छपरी यूट्यूबर्स कान खोल के सुन लो तुम। यस आगे भी तो बोल ना। वो बोलता नहीं है थारा भाई जोगिंदर। और थारा भाई जोगिंदर देख लो भाई, ये जाएंगे ओली। तू जाएगा ओली साले? कौन सी जगह है? अरे नहीं रुद्रप्रयाग से भी आ गया है ना, पता नहीं कहाँ है। सुबह 12 बजे निकले थे और अभी 6 बज रहे हैं। 6 बज गए हैं, पूरे 6 घंटे का सफर हो गया है, लेकिन अभी भी 100 किलोमीटर है, पूरा 100 किलोमीटर है अभी भी। और थकान बहुत हो रही है, दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पर है हम रुके। उधर है गाड़ी, इधर कहाँ रहे हो? किसका नहीं थी है ओली का। सुबह से चलते चलते थक गए, सुबह से रात हो गई पहाड़ियों पे चलते चलते। सुबह से पहला बोर्ड ओली का आया जिसमें दिखाई दिया कि 16 किलोमीटर रह चुका है ओली। तो यहाँ से बस 16 किलोमीटर रह गया है ओली। टेम्परेचर डाउन हो गया है एकदम, 6 डिग्री सेल्सियस हो गया है। खाना था भाई, थक गए ना आज। हाँ तूने थकाया है। मैंने क्यों थकाया है? बोले ओली चलेंगे, ओली चलेंगे बोला ना, कश्मीर चलेंगे। कश्मीर 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 है यार, थोड़ी दिक्कत भी हो गई है। जन्नत है यार, सुनो थोड़ी दिक्कत भी हो गई रास्ते में, तो पैंपर्स ली रही इन कारों में। शोएब भाई क्या हो रहा है सामने वाले गाड़ी में? झगड़ा कर फौजी और उनके बीच गले मिल गया भाई। वो तो सूत्रों की बड़ी खबर मिलते विधान में 29 को नरकी से समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान बार खुलने पर क्या से। अरे पी रखी है ना शायद। अच्छा इतनी पीछे करने की बात है सारी। हां तो ये तो बड़गांव आ रहा है, जाम लगा रहा है। अब सारी गाड़ी आ गई तो ये बस हर किसी आप आ करो तो फिर निकल जाएगी गाड़ी। अरे वो तो बड़ा है आपको। तो ओली बस यहाँ से 6 किलोमीटर रह गया है, और यहाँ पीछे ऊपर पीछे जो जितने भी पहाड़ हैं सारे में बर्फ़ पड़ रखी है। अभी रात में कुछ दिख नहीं रहा है, और हम थोड़ा सा गलत रास्ते में घुस गए थे तो गाड़ी मोड़ रहे हैं। अरे वो ही पीछे से मोड़ते ना इधर से। चलो 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 सामने उधर एक पहाड़ है, वहाँ पे पूरा बर्फ। Thank you.
घंटा लोग भाई को जिंदी भरा पड़ी है यहाँ जिंदा झूठ है भैया वो कहीं मार मुड़ देंगे हमने ले लिया है और आज रात अभी यहीं रुकेंगे, काफ़ी लेट हो गया है, 10 बज रहे हैं, तो अभी यहीं रुकेंगे, देखेंगे खाना भी खाने के लिए मंगवाया है तो खाना भी आ जाएगा थोड़ी देर में, फिर खा के और काफ़ी थक गए हैं तो सो जाएंगे अब, उसके बाद आपको सुबह दिखाते हैं लोकेशन, अभी तो रात हो गई है, यहाँ पे बर्फ तो काफ़ी है लेकिन आपको दिखेगा नहीं अभी, तो सुबह दिखाएंगे, तो ये ब्लॉग यहीं तक ही, ओके बाय। भाई मतलब इट वॉज अ ड्रीम, मतलब सपना था कि स्नोफॉल पड़ते हुए देखना है, मतलब स्नोफॉल पड़ते हुए इतना अच्छा लगता है यार। देखो भाई देखो किसी को सोने नहीं दिया, 5 बज रहे हैं, यस उठा के ले आया सबको।